इतना पैसा लोगी, क्या करोगी पैसों का? इतना कितना पैसा ले चुकी है तुमसे अभी तक? क्या बताओ, बता दो, खुद बता दो ना सर। अब क्यों शर्म आ रही हो? बोलेगी क्या? ये करने में शर्म नहीं आ रही तो बोलना। अच्छा तुमने किया इन सबको यहाँ बुला के उसका? ओह वाह। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ गौरव से और राहुल से, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जिनकी भी कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो हम लोग उनसे मिल भी लेते हैं। और कोई किसी को एक्सपोज कराना चाहता हो या फिर प्रैंक वीडियोज कराना चाहते हो किसी पे भी, तो वो चीज़ें भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा मीटअप भी हो दौरान। तो अभी क्या है कि इन लोगों की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही अजीब है। मैं आपको बता देती हूँ कि क्या आप फेस कर रहे हो, आप बता दो, वहाँ पब्लिक देख रही है, आप भी बता दो क्या चीज़ है। राहुल भाई है तो मैं इनको नहीं जानता था पहले, मैं गौरव। तो मुझे मतलब इन्होंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि इनकी बंदी जो है ना इनसे मतलब इनसे पैसे ऐसे भी लेती है और इनसे अभी भी कॉन्टेक्ट में, लेकिन वो 2 महीने से मेरे साथ हैं। ठीक तो है। मैंने भाई इनको बोला भाई मैं तो मेरी गलती नहीं है इसमें, उसकी लेट गलती है। तो भाई तुम्हारे साथ वो 2 महीने से, मेरे साथ भाई वो 1 साल से। भाई ये सोचो ना, बात मैं मान रहा हूँ भाई, तुम मुझे नहीं पता है ना कि तेरे साथ है। तो अभी तू ऐसे करके तू बुला उस तेरी बंदी को और बता उसको मतलब क्या है। तो अभी सामने जो भी हो भाई गलत है यार, तुम्हारे साथ भी चीट कर रही है, मेरे साथ भी चीट कर रही है, बताओ। तो बात प्रॉब्लम ये चल रही है कि आपके साथ कितने टाइम से? 2 महीने हुए हैं और आपके साथ 1 साल से है। 1 साल से है, मतलब लगा लो कि लड़की ना, एक लड़की, सिंगल लड़की, मतलब कि हम लोग कहते हैं ना घर में बेटियां पैदा होना चाहिए, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां भी होती है ना जो इस एक प्यारे से शब्द को ना बर्बाद कर देती है, एकदम बदनाम। ठीक है, तो ये लड़की है ना जो ये दोनों लड़कों को यूज़ कर रही है एक तरीके से देखा जाए तो, 1 महीना मतलब 1 महीने से इसके साथ में है और 1 साल से इसको भी डेट कर रही है। तो अभी क्या है कि हम लोग लड़की को लाइव या बुलाएंगे, एक्सपोज करेंगे, क्योंकि मैं आई हूँ इन दोनों की लोकेशन पे, इन लोगों के भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आपस में, तो जो चीज़ें हैं ना वो आमने सामने क्लियर हो जाएगी कि गलत कौन है एक्चुअल में। फिर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, सीधी सी बात है भैया। ठीक है, तो एक काम करो, आप में से कोई भी फ़ोन मिलाओ। मैं फ़ोन मिलाऊंगा भाई, मैं मिलाऊंगा। ठीक है, तो आप मिलाओ और उसको कैसे भी कन्वेंस करके इस लोकेशन पे बुला लो। ठीक है, हेलो बाबू कहाँ हो? मैं तो यही की घर पे था। अरे आपने बोला था ना वो पैसों की मतलब इंतजाम करने, तो मेरे पास ना पैसे के जुगाड़ हो चुके। तो आप एक काम करो ना, तो जो आपके सामने घर घर के सामने जो पार्क है ना वहाँ पे आ जाओ, मैं जस्ट पार्क के साइड ही बैठा हूँ मैं। ठीक है, चेयर पे। अच्छा मैं वेट, ओके मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। चलो ठीक है, आ रही। तो ठीक है, पैसों के लिए तो वैसे ही भागती आएगी वो लड़की, आई क्योंकि कर रही है सब पैसों के लिए रही है ना। आज पता चल जाएगा सब कुछ क्या हो रहा है क्यों नहीं हो रहा। तो एक काम करो, आप मेरे साथ यहाँ पे बैठो, एक काम करते हैं हम लोग छुप जाते हैं पहले, ठीक है? क्योंकि आप इससे मिलो, बात बात करो, वो पैसों वैसों की बात करेगी ना तो बोलना पैसों वैसे, उसको उलझा के रखना 1-2 मिनट, फिर हम लोग आएंगे लाइव, फिर उसके रिएक्शन देखते हैं कि आमने सामने जब दोनों बॉयफ्रेंड्स का आमना सामना होता है ना तो उसके रिएक्शन कैसे आते हैं। ठीक है, तो रेडी हो? बिल्कुल, आप भी रेडी हो। और आप लोगों की परमिशन के साथ मैं वीडियो अपलोड करूंगी, वाली वीडियो शूट हो रही है क्योंकि आप लोग कुछ चाहते हो, ठीक है? तो आप वेट करो उसका और हम लोग यहीं पे हैं, टेंशन मत लेना। और सुनो एक काम करो, ये माइक है ना, माइक ना आप लगा लो ताकि आपकी आवाज़ कैप्चर हो जाए, यहाँ लगा लो ताकि आपकी आवाज़ पूरी कैप्चर हो। इतना टाइम लग गया आने में? अरे वो छोड़ो, तुमने मुझे बुलाया था ना पैसे के लिए। अरे यार पैसे के लिए मैंने तो तुम्हें बुलाया था, इतना टाइम लग गया तुम्हें आने में यहाँ पे? हाँ वो तुम्हें तो पता ही है घर पे कितना काम रहता है। मुझे भी पता है आपको कितना काम रहता है, आपने पैसे के लिए बुलाया था ना, वो जुगाड़ हो चुका है पैसों की। तो दो पैसे अभी दे रहा हूँ, रुक तो जाओ यार। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो आपसे मिलना चाहता है, मतलब फैन है आपका वो बहुत बड़ा। दोस्त? मेरा दोस्त? मैं यहाँ पे दोस्त से मिलने थोड़ी आई हूँ, तो पैसे मेरे से मिलने आई हूँ ना, तुम्हें पैसे थे तो पैसे मिल जाए, तसल्ली तो रखो यार, मैं भाग कहीं जाऊँगा क्या? चलो 1 साल से मेरे साथ है, तुम्हें ऐसे कर रही हो, रिएक्ट कर रही हो तुम। चलो ठीक है, बुला लो। 2 मिनट यहाँ बैठ जाओ, मेरा दोस्त आ रहा है कुछ, यहाँ बैठ जाओ, बुला लो। अभी अभी आएगा वो, आता होगा वो, मैंने उनसे बोला अभी। अकाउंट नंबर वही है ना? हाँ जो पिछली बार था वही है, मैं उसी पे भेजूंगा ना। उसी पे भेजोगे? ओके, अभी आते होंगे वो। यहाँ पे क्या
पहचानो, यही है ना वो, मतलब मेरे साथ भी चीट कर रही हो और उसके साथ भी चीट कर रही हो। चीट? मैं पागल दिख रहा हूँ क्या तुम्हें? कैसा चीट? तुमने पहले बोला था कि मेरा यही है ना भाई, यही भाई। मैं तो अब बोलो कि मैंने जानती से, बोल दो, तुम बोलो ना कि मैंने जानती से। मेरे साथ कैफे वेफे में चलते हो, ये वो, तो मैंने सब बताया था भाई। मेरे साथ एक साल चाहिए, क्यों कर रही हो तुम ऐसे? तो पैसे चाहिए, बताओ कितने चाहिए यार। हाँ तो ठीक है, मैंने चीट कर दिया तो क्या हो गया? चीट ये पर ओ, तो वैसा मेरे को कैसे चीट कर सकते हो? मेरे तो मेरे तुमसे वैसे भी कोई लेना देना, मतलब हमारा कोई फीलिंग नहीं है, इसका कोई दिल नहीं, मेरा कोई दिल नहीं है। अरे तो क्या हो गया अगर मैंने ऐसा कर दिया तो? ऐसे नहीं होता ना, ऐसे कर देते यार। हो रहा था ये बोल रहे थे तुम इससे पैसे लेती हो। अरे पैसे लिए तो क्या हो गया, एक साल से नहीं है तुम मेरे साथ, तो फिर ये कौन है? मेरे साथ रहो ना फिर ये बंदा कौन है, यहाँ क्या कर रहा है ये बताओ ना मुझे। देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। वाह वाह, आप मेरा दिमाग खराब होने लगा, वाह बहुत खूब। जो भी मांग रहे हो तुम, मतलब तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। हाँ नहीं है मेरे में शर्म, बिल्कुल ही नहीं भाई। देख ले तेरे साथ भी डेट करी और मेरे साथ भी डेट करी, तेरे साथ तो भाई 2 महीने से मेरे साथ। मेरे तो मेरे को इतना कोई लेने लेना देना नहीं इससे, लेकिन तू ध्यान रख के भाई कि कोई लड़की ऐसी हो सकती है तो तू इसके बारे में आके पैसे देता रहता है, तो अब मत देना और आगे से ध्यान रखियो। मैं ध्यान क्या रखूंगा, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो ये बताओ मुझे। मैं कुछ नहीं चाहती, मुझे मेरे पैसे दो और मैं यहां से। ओहो तुमने तो मुझे कमा के ना, क्या बताओ तुम्हें अब। ज्यादा ड्रामे मत करो, मेरे पैसे निकालो और मैं यहां से जा रही हूं। एक साल का ड्रामा नहीं था, तुम मेरे साथ ड्रामा कर रही हो उसका क्या? जो तुम ड्रामा कर रहे हो यहाँ पे बुला के इसको, तो कौन है इधर से? तुम्हारा तो बीएफ है ना, तुम तो कुछ बोलो भाई। भाई मैं कब से बोल रहा हूँ, मैं तो मेरे से कोई लेना देना नहीं है भाई, तेरे से पैसे मांग रही थी, मैं कब से जानते तुम जानती हो से ये बता दो तुम्हें। हाँ जानती हूँ तो क्या, क्यों जानती हो से ये बताओ, क्यों जानती हूँ इसे, इतनी जानती क्यों ये बताओ ना मुझे। हेलो कैसे हो आप? मैं बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है मासूम लड़कों की जिंदगी बर्बाद करके, अच्छा लग रहा होगा ना काफी, है ना, सुकून मिल रहा होगा। क्या बर्बाद कर दी, जिंदगी तबाह कर रही हो, एक साल से यूज कर रही हो लड़कों का और फिर बोल रहे हो कि क्या किया तुमने? क्या यूज किया मैंने इन दोनों? क्या यूज नहीं किया तुम? कुछ तो शर्म करो यार, शर्म नहीं है इसको यार कुछ भी। 2 महीने मेरे साथ मतलब टाइम पास कर रहे थे तुम, कितने टाइम से तुम्हारे साथ? 2 महीने टाइम पास मेरे साथ, एक साल से। तुम्हारी तुम लड़कियों की इज्जत नाम की कोई चीज नहीं होती क्या किसी के साथ? इंसान ना रिलेशनशिप में आगे तब बढ़ता है जब उसके मन में प्यार हो, अट्रैक्ट। इसने मुझे जब बोला ना कि मुझे पैसे चाहिए, मैं कभी मना नहीं कैसे पैसे से, और ये मेरे साथ ऐसे कर रही, मुझे तो मैं क्या ही बोलूँ इसे अब। इतना पैसा लोगी क्या करोगी पैसों का, इतना कितना पैसा ले चुकी है तुमसे अभी तक? क्या बताओ, बता दो, खुद बता दो ना सर, अब क्यों शर्म आ रही हो? बोलेगी क्या ये करने में शर्म नहीं आ रही तो बोलना। और जो तुमने किया इन सबको यहाँ बुला के उसका, ओह वाह, मेरा मतलब तुम्हें तुम्हारे लोगों ने तो तेरी असलियत सामने लाई है ना, हम लोग तो तेरी असलियत सामने लेके आए, तेरे को लाइव पकड़ा है हम लोगों ने। बता तूने कितने पैसे लिए इससे, बता। देख बता दे, हम लोग भी ना ऐसे वैसे नहीं है कि तुझे यहाँ से इजली जाने देंगे, ठीक है? अगर बुलाया है तो कुछ ना कुछ प्लानिंग हम लोगों ने भी कर रखी होगी, तुझे ऐसे तो जाने देंगे नहीं हम लोग। क्या होगा सोच भी नहीं सकते, डर नहीं तुम्हारे अंदर कुछ भी, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा मैं? हम देखने वाले तुझे सिर्फ 3 लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तुझे ये क्लियर कर दो। कितने पैसे ले रखे हैं बता, अपने मुँह से ही बता दे कितने ले रखे हैं, बता दे। बोलेगी शर्माओ मत ना, जब योग करने में शर्मा। फोन मिलाए क्या अभी और बताए कि तुम्हारी बेटी ऐसे लड़कों को ठगती है, पैसा लूटती है? बोलेगी या मिलाऊं तेरे बाप को फोन? तेरे बाप का नंबर भी है, बता दो तेरे बाप का नंबर, ये देख ले तेरे बाप का नंबर ही है ना। सारी इंक्वायरी करके आया हम लोग, ऐसे नहीं आया, इसलिए बोल रही हूँ, प्री प्लानिंग सारी डन कर रखी है हम लोगों ने। तू बता दे कितने पैसे लिए और कब तक वापसी दे देगी? सब 1.5 लाख रुपए लिए थे टोटल। हाँ और अच्छा ये भी बता, प्यार कोई मजाक नहीं होता ठीक है ना, मेरे साथ ऐसे कर लिया उसके साथ करना जरूरी था क्या ये बताओ ना मुझे। तुम बस पैसों मर जाओ। तुम किसी के इमोशन के साथ ऐसे नहीं खेल सकती हो वैसे भी, मतलब मैंने किसी से कमी होने दिया ये बताओ ना। ये गुस्सा उसको ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि वो 1 साल से तुम्हारे साथ है और 1 महीने में भी वो भी तुमसे बहुत प्यार करने लगा था, ठीक है? फील होना चाहिए थोड़ा सा कि मतलब मैंने तुम्हारी स्टोरी देखी ठीक है ना इनके साथ, फिर मैंने भाई को समझ के कौन ये करी मेरी बंदी है, तो किसी को मतलब जाहिर सी बात है किसी को तो गुस्सा आएगी ना। अरे बोल ना कुछ, बोल मुंह में जुबान। अब ताला लग गया ना इसके मुंह पे, ताला लग गया ना। अभी तो चैन बहुत ज्यादा बोल रही थी, अब क्या हो गया बोल, बता दे अब। तू बोलेगी अब तो ताला लग गया मुंह पे। मैंने जो पैसे लिए मैं वापस कर दूंगी। कब करोगे ये बताओ ना। मैं कर दूंगी। तुम कर दोगे? तुम्हारे बस की बात, 1.5 लाख रुपए पैसे वापस करना ठीक है ना। देखो मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। पर तूने किया क्यों ऐसे? सॉरी तूने किया क्यों?
कोई मजबूरी थी, कुछ था। देख हम हमेशा नेगेटिव नहीं ले सकते हर किसी को कि कुछ बता देते को मजबूरी थी कुछ, या किसी बहुत ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ के लिए थी? तूने अयाशी के लिए ली अपनी वो, मतलब वो पैसे इनसे लूटे हैं जो, या फिर कुछ मजबूरी थी तेरी? मैंने जिस भी रीज़न के लिए, मैं वो नहीं बता सकती। और जो भी मैंने पैसे लिए वो मैं वापस कर दूंगी, बस मेरे फैमिली को इन्वॉल्व मत करो। फैमिली तो इसके साथ ये कर दिया, ये एक साल से रो रहा था यार कि मुझे बोल रहा था मेरे साथ एक साल। सॉरी बोलना कि बहुत छोटे शब्द होते हैं, ठीक है ना? और हम एक साल से तुमसे, मैं तो प्यार करता हूँ, तुम मुझे क्या पता तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। प्यार तो मैं करता हूँ ना, मेरा तो कोई दिल ही नहीं है। तुम आओ प्यार करो, मजाक कर लो प्यार, सॉरी यार पैसे वापस कर दो, ऐसा थोड़ी होता कुछ। तो पैसे थे तुम बोलते ना एज ए फ्रेंड के तौर पे कि मुझे पैसे चाहिए, प्यार गाड़ा करना जरूरी था क्या? ये बताओ ना, आप ही कुछ बोलो ना इसे। कुछ नहीं बोल रही है तब से। अब तेको एक बात भी बता दूंगा कि ना हम लोग ना तुझे यहाँ पे, सिर्फ तीन लोग नहीं है देखने वाले, यहाँ पे लाइव हम लोगों ने कैमरा सेट कर रखा है, कैमरा हिडन है, इधर उधर मत देख, ठीक है? और सामने एक्सपोज हो चुकी है तू, और अब ये पेरेंट्स सब तेरे देखेंगे तो उन सोच कहीं से भी निकलेंगे ना, हर जगह तेरे नाम पे लोग खुद करेंगे कि ऐसी बेटी घर में किसी घर में पैदा नहीं होनी चाहिए। कितनी मासूम शक्ल है, अब मैं क्या कैसे कैसे काम करें कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। और सामने अब तेरा बिल्कुल पर्दाफाश हो चुका है, अब तू पैसे दे ना दे अपने आप ही देखो, इज्जत तो चली गई देखते ही, है ना? सामने लगा हुआ है एक लड़की है यार, थोड़ा अपना अपने आप को देख के चलना चाहिए था कि यार लड़की यहाँ पे ना, एक इमेज बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन एक लड़की के लिए एक नेगेटिव कुछ बोल देगा ना कोई, तो लड़की पूरे ये लगा ले पूरे समाज में गलत हो जाती है। ये इंडिया है, ये इंडिया के बाहर नहीं रह रहे तुम लोग। मैं इनसे प्यार करता था यार, ये मेरे साथ मजाक कर रही है यार, इनको पैसे, अरे यार इसको बस पैसे चाहिए यार। ऐसे लोगों के लिए क्या इमोशनल होना जिसके मन में फीलिंग्स नहीं है दूर दूर तक, तुम्हारे अंदर दिल नहीं है क्या? मत करो ये सब औरों के सामने, रोने की जरूरत नहीं है, अब रोने से कुछ नहीं होगा। और अगर तुम सामने के पब्लिकली अगर अपोलोजाइज करना चाहती हो तो कर सकती हो, कैमरा लगा हुआ सामने, अगर तुम्हें इतना ही फील हो रहा है तो। मैंने जो भी इन दोनों के साथ किया उसके लिए सॉरी, और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, किसी की भी फीलिंग्स के साथ खेलने का मुझे कोई हक नहीं है, और मैं इन दोनों से और पूरी जनता से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी किसी भी लड़के के साथ। और व्हाट अबाउट पैसे जो तुमने लिए? और जो मैंने पैसे लिए हैं वो मैं जल्दी से जल्द उसको लौटा दूँगी, उसको वापस कर दूँगी पक्का। और किसी और के साथ तो ऐसा नहीं करोगी ना? पर तुम डिजर्व नहीं करती, अदरवाइज तुम कोई इन दोनों में से कोई तो स्टेप लेता तुम्हारे साथ रहने के लिए, बट कोई भी नहीं रहना चाहता क्योंकि ऑलरेडी बहुत हर्ट है दोनों। तुम जा सकती हो, सामने पक्का दरवाज़ा खुला है, बैठोगे एक बार? यार परेशान मत, आपने खुद बोला था कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूँगा और मतलब इमोशंस पे काबू पाऊँगा। तो यार ऐसे कोई कैसे कर सकता, किसी से हम प्यार करते हो और मेरे साथ वो चीट कर रही पिछले एक साल से? यार मैं समझ रही हूँ, एक साल कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत लंबा टाइम हो जाता है, लेकिन आपको भी संभालना पड़ेगा खुद को, कुछ लोग हमें डिजर्व नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ में ना, इस चीज़ से मोटिवेट होकर आगे बढ़ो। पैसे देखो वो दे देगी आपको, उसने बोला है क्योंकि उसको अपोलोजाइज हुआ है मेरे को लगता है कहीं ना कहीं, ना समझ रहे हो? मेरे को बहुत बुरा लग रहा है आप, मतलब लेकिन ठीक है, आप लोगों ने ही बोला कि हम लोगों को हिडन कैमरा रख के शूट करना है तो मैंने कर दिया, बस लेकिन मेरे को ये प्रॉमिस करो ठीक है कि आप लोग मोटिवेट होके आगे बढ़ोगे। मोटिवेट पक्का, तो मैं परेशान नहीं होगी ठीक है, और कभी भी किसी लड़की में ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करोगे, ट्रस्ट गलत नहीं है लेकिन ब्लाइंड गलत है ठीक है। चलो ध्यान रखो अपना, और वीडियो अपलोड करूँगी मैं ठीक है, लेकिन इस लड़की को ना रियलाइज़ हुआ है, अपोलोजाइज किया इसने, इसलिए मैं फेस ब्लर कर दूँगी लड़की का, क्योंकि लड़की की इज्जत लड़की की ही होती है ठीक है, इसीलिए। चलो ध्यान रखना ठीक है, बाय।